मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक आपने जरूर कहावत सुनी होगी, बल्कि एक किसी गजल का एक हिस्सा है ये, कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। ये बात तब तक तो ठीक है कि आपकी शत्रु को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सही है, सटीक है, आप इस पर कायम रहिए। परंतु जहां पर प्रश्न प्रेम का हो, उससे आगे बढ़कर के शादी का हो प्रस्ताव, तो उसमें लंबे समय तक यदि इसको आप फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा साबित होगा। हम इस श्रृंखला में यही प्रयास कर रहे हैं कि जन्म पत्रिका में कब कब ऐसे योगा योग निर्मित होते हैं कि कभी तो व्यक्ति तुरंत ही अपने प्यार का इजहार कर देता है, प्यार हुआ और इकरार भी उसने तुरंत कर दिया, और कब इसके ठीक उलट ऐसा होता है कि व्यक्ति को प्यार तो हो जाता है परंतु वो हिम्मत नहीं जुटा पाता, साहस नहीं ले पाता, वो ये स्टेप नहीं उठा पाता कि वो जिससे प्यार करता है उससे जाकर के अपने दिल की बात कह सके या उससे आगे बढ़कर के फिर विवाह प्रस्ताव की बात कर सके। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका, स्त्री और पुरुष दोनों पर यह लागू है, इसलिए आप इसको जरूर देखिए। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं या देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, वहां जाकर के आप उसको विस्तार से देख सकते हैं। वृषभ लग्न पर विस्तार से हम चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए। साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, 2 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। पंचम भाव, जहां से कि हम प्रेम संबंधों की बातचीत करते हैं, संकल्प की बातचीत करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति विल पावर की बातचीत करते हैं, और सप्तम भाव जो कि विवाह का और दाम्पत्य जीवन का भाव है, तो प्रेम से लेकर के और विवाह तक का आप क्या यात्रा ठीक से कर पाएंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज हम कुल 7 पॉइंट्स 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो है, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध और सप्तमेश मंगल इनकी किसी प्रकार से युति हो जाए, खास तौर पर यदि केंद्र में या त्रिकोण में, या ये एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर ले, या ये एक दूसरे पर दृष्टि निक्षेप भी यदि कर लेते हैं, तब ये व्यक्ति अपने प्रेम का इजहार तुरंत कर देता है, जो दिल में होता है तुरंत जुबान पर लाकर के, और अपने प्रेम को ये कई मामलों में प्राप्त भी कर लेता है। परंतु यदि इसके ठीक उलट है, इन दोनों की कोई युति नहीं है, कोई स्थान परिवर्तन नहीं है, कोई आपस में दृष्टि संबंध नहीं है, तो ये अपने दिल की बात दिल में ही रह गई, ये वाली बात इन पर लागू हो जाती है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इनका जो लग्नेश है शुक्र, वो 5th हाउस पंचम भाव में जाकर के बैठ जाता है, तो बहुत अच्छी स्थिति है, या इसके उलट जो बुध है वो यदि इनके लग्न में जाकर के विराजमान होता है, इन दोनों में से कोई भी एक ही स्थिति एक ही संभव हो पाएगी, दोनों स्थितियां संभव इस जन्म पत्रिका में नहीं हो पाएगी, तो यदि इन दोनों में से कोई भी स्थिति है तब भी ये व्यक्ति अपने प्यार का इजहार बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से, बहुत दावे के साथ में कर लेता है और अच्छे चांस होते हैं कि ये उसमें सफलता प्राप्त भी कर ले। परंतु यदि यही शुक्र त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, और खास तौर पर यहां पर मैं 2 त्रिक भावों की बात करूंगा, 8वें और 12वें, यदि इन भावों में विराजमान हो गया है, तब फिर वही बात कि ये अपने दिल की बात अपने दिल में ही दफन करके रख लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते।
साथियों तीसरा बिंदु, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल स्वग्रही हो, 8 नंबर का अंक जहां पर आप लिखा देख रहे हैं सप्तम भाव में वहां पर बैठे हैं, स्वग्रही हो या फिर उच्च के हो, 10 नंबर का अंक जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इन दोनों ही स्थितियों में मंगल इनको इतना साहस प्रदान कर लेता है कि ये जाकर के अपनी बात कह देते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। परंतु इसके उलट यदि मंगल नीच राशि के हो जाए या त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो जाए, खासतौर पर 6ठे या 8वें में, तब फिर ये अपनी बात नहीं कह पाते और वही अपने दिल की बात को दिल में ही दफन कर देते हैं। साथियों चौथा बिंदु है चंद्रमा को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा ही विचारों का कारक है, मन का कारक है, मन स्थिति का कारक है। यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में उच्च के हों, 2 नंबर का अंक जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, या स्वग्रही हो जहां पर कि वो 4 नंबर के अंक में स्वग्रही हो जाएंगे, इन दोनों ही स्थितियों में वो अपनी बात दावे के साथ में और बड़ी मुस्कुराहट के साथ में कह देता है या कह देती है और उसमें वो सफल भी हो जाती है। और ठीक इसके उलट यदि चंद्रमा नीच राशि के हो जाए, सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाए, तब वो अपनी बात दिल में दबा करके रखते हैं, बाद में हालांकि वो इसको लेकर के अवसाद में भी चले जाते हैं। साथियों बात करते हैं 5वें बिंदु की। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध, इन दोनों की युति केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी हो, तब भी खासतौर पर बुध या शुक्र की दशा अंतर दशा में ये यदि प्यार में पड़ते हैं, तो प्यार हुआ और इकरार भी ये कर लेते हैं, उसमें किंचित भी देरी ये उचित नहीं समझते। परंतु यदि यही युति शुक्र और बुध की त्रिक भावों में है, तब फिर ये साहस नहीं जुटा पाते। कोई ना कोई ये कारण ऐसा खोज लेंगे कि अभी मुझे करियर बनाना है, अभी व्यापार स्थापित करना है, अभी पारिवारिक स्थिति नहीं है, कोई ना कोई एक्सक्यूज इनके पास में होगा जो कि इनका स्वयं का बनाया हुआ होगा। साथियों 6ठा बिंदु नवम भाव को लेकर के है। नवम भाव में जब भी पाप ग्रह होते हैं इस जन्म पत्रिका में, खास तौर पर जैसे कि राहु केतु मंगल सूर्य, तब भी ये तुरंत अपनी बात अपने प्रेमी या प्रेमिका को कह देते हैं, इजहार कर लेते हैं। परंतु ठीक इसके उलट यदि नवम भाव में शुभ ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध चंद्रमा इस प्रकार के यदि ग्रह हैं, तब फिर ये अपनी बात को अपने दिल में ही रखना अधिक पसंद करते हैं और बाद में जाकर के पछताने का कार्य अवश्य ही ये करते हैं। अंतिम और 7वां बिंदु है शुक्र से संबंधित, जो कि संबंधों का कारक है। शुक्र यदि राहु के, केतु के, शनि के या सूर्य के, इवन मंगल के साथ में युति करके भी बैठा है, तब भी ये अपनी बात कह देते हैं जन्म पत्रिका में, चाहे कहीं पर भी बैठा हो। और इसके उलट यदि शुक्र अकेला है, जो कि थोड़ी रेयर पोजीशन में होता है, अगर अकेला है तब भी ये बात स्पष्ट रूप से अपनी नहीं कह पाते हैं। तो साथियों यहां पर हम बात प्रेम संबंधों की, उसके इजहार की कर रहे हैं, परंतु इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बिना कुंडली मिलाए विवाह करें। चाहे आप प्रेम संबंधों से विवाह कर रहे हैं, फिर भी आपको कुंडली अवश्य मिलानी चाहिए। जिन स्थितियों की हमने चर्चा की उसमें जिस ग्रहों की चर्चा की है, वो यदि 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है, तब ये यहां पर कोई भी बात फलीभूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ग्रह शक्तिहीन हो चुका है। श्रृंखला हमारी जारी है, आप इसका पूरा लाभ जरूर लीजिएगा। और आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अभिनव श्रीवास्तव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जमशेदपुर से, और आपने पूछा है कि क्या आप इंजीनियरिंग, खासतौर पर IIT या NIT, इसमें आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा अभिनव जी, आपकी जन्म पत्रिका में योग है, लग्न में ही रूचक नामक बहुत सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। परंतु आप यदि मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस में करते हैं इंजीनियरिंग, तो वो आपके लिए बहुत अधिक बेहतर रहने वाला है। तो साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न की, चर्चा की कुछ बिंदुओं की, तो आज हमने कुल कितने बिंदुओं की चर्चा की है। साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।